वेलकम बैक। आई एम आरके झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल एनसीईआरटी का। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल के नीचे जहां क्वेश्चंस इंस होता है वहां पर स्टार मार्क्स में लिखा रहता है दीज एक्सरसाइज आर नॉट पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस एक्सरसाइज को नहीं बनाना है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना भी रिजल्ट या थ्योरम पढ़े रहते हैं उसी क्वेश्चन से जो है ना वो सारा बेस्ड होता है। तो या एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो ईएडी के फॉर्मेट में आता है, जहां ई का मतलब इजी होता है, जो 30% क्वेश्चंस इजी होता है जहां सारे स्टूडेंट्स बना लेते हैं प्राय। फिर ए फॉर एवरेज क्वेश्चंस 40% होता है, जो एवरेज स्टूडेंट भी बना लेगा। और डी का मतलब डिफिकल्ट लेवल हुआ, जो 30% क्वेश्चंस होता है। तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शनल पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होता है ऑप्शनल में वो चैप्टर का कुछ हॉट क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज ए ट्रायंगल। अब जैसे देखो ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल के अंदर में हमको एक पॉइंट लोकेट करना है जो पॉइंट इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं दूसरा लैंग्वेज में। सिंपली हो सकता है क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द सेंट्रोइड या सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, हाउ विल यू लोकेट, हाउ विल यू फाइंड। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या एक ट्रायंगल बना दिया है, एबीसी मान लो। इसमें से आप किसी भी दो साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे हमने एक कंपास लिया हाथ में, मोर देन हाफ से एक मान लीजिए हम बीसी और एसी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एक बीसी का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बीसी के मोर देन हाफ से एक आर्क देंगे आप यहां से। जैसे मान लो ये एक आर्क का सपोज दिए, एक नीचे भी दे दिया आगे। अब सेम रेडियस को फिर हम सी पर ले जाएंगे, सेम रेडियस से फिर आर्क देंगे और इस दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे, ब्रेक लाइन से मिला दीजिए, मिला दिया। अब जो रिमेनिंग दो साइड बचा ए बी और ए सी, किसी एक साइड का और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना सेम स्टेप से। ए सी का हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ लेके, जहां ए से और एक सी से देंगे तो ये आर्क आएगा, फिर ए से देंगे तो ये दोनों कटेगा और इस दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो ये मान लीजिए मिला। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हमने ये काम कर लिया तो ये जो पॉइंट है जहां ये दोनों राइट बाइसेक्टर लाइन इस पॉइंट पर मिला, इसको आप ओ दे दो। तो हम कंपास के मेटालिक पॉइंट को ओ पर रख देंगे, पेंसिल को हम ए पर ले जाएंगे। तो आप फिर उठा के आप बी पर लाएंगे, फिर सी पर लाएंगे, तो आप क्या देखते हैं कि ओ ए, ओ बी और ये ओ सी तीनों डिस्टेंस क्या इक्वल होता है। आप चाहेंगे यहां से एक सर्कल भी ड्रॉ कर दीजिए, ओ पर हम मेटालिक पॉइंट को, ए पर पेंसिल रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इस तरह से बन जाएगा और इस पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर दो तो आप क्या देखेंगे कि ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या इक्वल है। इस तरह से पॉइंट इंटीरियर है ट्रायंगल का जिस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंस पर है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू है, फिर दिया कि इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स। इस बार फिर एक ट्रायंगल है, नाम नहीं दिया है, जिस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट हमको लोकेट करना है जिस पॉइंट से तीनों साइड इक्विडिस्टेंस होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या था, तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंस। तो ट्रायंगल के जिस इंटीरियर पॉइंट से तीनों वर्टिसेस इक्विडिस्टेंस होता है वो सर्कम सेंटर होता है, याद रखिएगा। और ट्रायंगल के इंटीरियर में जिस पॉइंट से तीनों साइड का इक्विडिस्टेंस होता है वो इन सेंटर होता है, ठीक है। तो यानी हमको इन सेंटर ड्रॉ करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि फिर ये ट्रायंगल है एबीसी, ए
अब एबीसी में हम जब किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर पता करना हो, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या देखा कि सर्कम सेंटर पता करने के लिए किसी दो साइड का बाइसेक्ट करना जरूरी है। लेकिन जब ट्रायंगल का इन सेंटर पता करना हो तो आप किसी दो साइड को बाइसेक्ट कर दीजिए। जैसे हम यहां से इसको बाइसेक्ट कर दिए, देखिए ऐसे बाइसेक्ट कर देंगे, यहां से एक आर्क देंगे, इसको हम फिर ऐसे काटे, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। फिर हम सी एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगे, फिर एक यहां से और यहां से इसको बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं, ये मिला ओ हो गया। ये ओ जो है, इस ओ का डिक्शन, अब आप कहेंगे कि ये ओ क्या हो गया, इंटीरियर हो गया ट्रायंगल का, जिस पॉइंट से तीनों साइड का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा। लेकिन डिस्टेंस हम लेंगे कहां से, तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको डी दे दीजिएगा, तो ये जो ए ओ डी बनेगा यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी रेडियस हो जाएगा। और इस यहां पर हम रख के ऊपर मेटालिक पॉइंट को रख दीजिएगा, डी पर पेंसिल रख के फिर एक इस तरह से एक सर्कल बना देंगे, तो ये इन सर्कल बन जाएगा। और इस इन सर्किल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा, और वो इन सेंटर ट्रायंगल के इंटीरियर में पॉइंट बनेगा जिस पॉइंट से तीनों साइड का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस होगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में है, इन एक पार्क, बड़ा सा पार्क है, पीपल आर कंसेंट्रेटेड एट थ्री पॉइंट्स ए बी और ये सी है। ए पर वेयर देर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग फॉर चिल्ड्रेन, मतलब इस पॉइंट पर झूला है बच्चों के लिए, स्विंग फिसलने वाला है। बी नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, यहां पर एक लेक है दिया हुआ। सी विच इज नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट, यहां पर एक बड़ा सा पार्किंग और ये बाहर निकलने का रास्ता है। अब कह रहा है कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेटअप सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट, अब कह रहा है कि इसके अंदर में हमको एक पार्लर, आइसक्रीम पार्लर खोलना है और ऐसे जगह पर देना है जहां सब लोग आसानी से वहां तक पहुंच सके। तो इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तीनों पॉइंट्स को तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट लोकेट करना है जिस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको बस लैंग्वेज चेंज करके दे दिया हूं। तो फिर हम किसी दो साइड का, मान लीजिए बीसी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, एसी का कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, वो जो है ये पोजीशन बन जाएगा जहां पर हमको आइसक्रीम पार्लर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक सबसे पहले ये हेक्सागन दिया था और ये एक स्टार शेप का जो है ना एक रंगोली है जिसका सब साइड 5 5 cm है, तो कह रहे हैं कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जब हेक्सागोन था इसमें अपोजिट वर्टेक्स को सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी हम क्या किए, सब पॉइंट्स को, इंटरसेक्शन पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या बताएंगे कि हेक्सागन में कितने 6 ट्रायंगल बनेंगे और स्टार में कितने 12 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो किस में ज्यादा बनता है, स्टार अंगुली में जो है ज्यादा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। तो आप इसको फिर एक्सरसाइज 7.5 में, बस चार क्वेश्चन है आज आप इसको देख के बना लेंगे, फिर हम इसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया, फिर उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।